जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो आप सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, और ये वीडियो स्पेशली तरीके से उन कैंडिडेटों के लिए तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट से दिसंबर 2024 वाले एग्जाम में बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जरब क्वालिफाई करना चाहते हैं। वीडियो की थंबनेल से आपको आइडिया लग गया होगा कि आज का ये वीडियो है आप सभी कैंडिडेटों के लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही आसान तरीका ज्योग्राफी से जरब पास करने का। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा आसान तरीका, यदि आप उस तरीके से तैयारी करते हो तो बहुत आसानी से आप ज्योग्राफी में 80% प्लस का स्कोर कर सकते हो, बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जरब क्वालिफाई कर सकते हो। और ये जो तरीका है ना, आपका जो जरब क्वालिफाई करने का सपना है उसको पूरा करने में आपकी बहुत ही अच्छे खासे तरीके से मदद करने वाला है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, आपके बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे या जानकार होंगे जो पिछले 4-5 साल से लगातार नेट जरफ के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनका अभी तक जरफ क्वालिफाई नहीं हो पा रहे। बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनका 4-5 बार में नेट भी क्वालिफाई नहीं हुआ, जबकि वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे हैं, उनको बहुत कुछ याद है। और कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो पहली बार एग्ज़ाम देते हैं, 4-5 महीने तैयारी करते हैं और बहुत गजब के मार्क्स के साथ जरब क्वालिफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको उस ही तरीके के बारे में बताने वाला हूँ जिस तरीके से आप दिसंबर 2024 में बहुत गजब के मार्क्स के साथ जरब क्वालिफाई कर सकते हो। मैं अजय शर्मा, ज्योग्राफी सब्जेक्ट से मेरा लगातार 3 बार जरब क्वालिफाई है, और पिछले 4 साल से मैं इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूँ। मैंने ओवरऑल 2nd रैंक के साथ ज्योग्राफी से जरब क्वालिफाई किया है। मेरा पीजी अपेयरिंग के साथ पहले प्रयास में जरब क्वालिफाई हो गया था। हर बार हमारे बैच में पिछले 4 साल से हम लगातार यहां पर ज्योग्राफी नेट के फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच चला रहे हैं। हमारे हर एक बैच में लगभग 7 से 8 ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनका पहले प्रयास में ज्योग्राफी से जरब क्वालिफाई होता है। तो यदि आप भी पहले प्रयास में जरब क्वालिफाई करना चाहते हो तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। ये वीडियो आपका जो जरब क्वालिफाई करने का सपना है उसको पूरा करने में आपकी बहुत अच्छे खासे तरीके से मदद करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा जो आपके जरब के सपने को बहुत ही आसान बनाएगा। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। कुछ लोगों का ये मानना है, वो विश्वास नहीं करते कि पहले प्रयास में भी जरब क्वालिफाई किया जा सकता। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि यार 4-5 महीने की तैयारी से तो आप नेट भी पास नहीं कर सकते, लेकिन मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि आप 4-5 महीने की तैयारी से बहुत ही आसानी से जरब भी पास कर सकते हो। बस उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से, एक बहुत ही सही ढंग से तैयारी करना। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अब दिसंबर 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए आप किस तरीके से तैयारी करें ताकि आपका हर हाल में जरब पास हो जाए। हमने यहाँ पर हर बार की तरह अब की बार भी दिसंबर 2024 वाले एग्ज़ाम के लिए एक ज्योग्राफी का गारंटी बैच शुरू किया है। हमारा ये जो ज्योग्राफी का गारंटी बैच है, इसका टारगेट है कि हमें कम से कम 80% प्लस के स्कोर के साथ जरब क्वालिफाई करना है, और वो भी बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ, और वो भी दिसंबर 2024 में। यहाँ पर मैंने इस गारंटी बैच का नाम गारंटी बैच क्यों रखा है, यहाँ पर मैं गारंटी ले रहा हूँ कि चाहे पेपर किसी भी तरीके का है, चाहे बहुत टफ लेवल का है, चाहे ईजी लेवल का है, चाहे मॉडरेट लेवल का है, हमारे बैच के कंटेंट से कम 90% पेपर आपको एज इट इज देखने को मिलेगा, इस बात की यहाँ पर मैं गारंटी ले रहा हूँ, ठीक है। और यदि ऐसा नहीं होता है तो 100% तरीके से आपकी मैं फीस रिफंड कर दूंगा। एक बार दोबारा से बता देता हूँ, कम से कम 90% पेपर हमारे बैच के कंटेंट से ही मिलेगा, इस बात की यहाँ पर मैं गारंटी ले रहा हूँ। यदि ऐसा नहीं होता है तो 100% तरीके से मैं आपकी फीस रिफंड कर दूंगा। और यदि आपके पढ़े हुए में से 90% पेपर आ रहा है तो आप बहुत आसानी से
80 क्वेश्चनों को ठीक कर सकते हो और 80% प्लस के स्कोर के साथ आप जरब क्वालिफाई कर सकते हो। तो यहाँ पर अब हम आपके साथ डिस्कस करते हैं कि हमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए ताकि हमारा बहुत गजब के मार्क्स के साथ जरब क्वालिफाई हो सके। देखो, तैयारी करने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है केवल मेहनत करना। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी उनका जरब क्वालिफाई नहीं हो रहा क्योंकि वो केवल मेहनत कर रहे हैं। वहीं कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो केवल 4-5 महीने तैयारी करते हैं और उनका बहुत गजब के मार्क्स के साथ एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है। उसको हम कहते हैं स्मार्ट तरीका। दोनों में अंतर क्या है ये मैं एक बार बता देता हूँ। यदि आप फिलहाल में तैयारी कर रहे हो तो आपको इससे पता चल जाएगा कि आप केवल हार्ड वर्क को फॉलो कर रहे हो या फिर आप स्मार्ट वर्क को फॉलो कर रहे हो। यदि आपको जरब क्वालिफाई करना है तो आपको हर हाल में हार्ड वर्क की बजाय आपको स्मार्ट वर्क करना होगा, तभी आपका बहुत कम समय में बहुत गजब के मार्क्स के साथ जरब क्वालिफाई होगा। यदि आप स्मार्ट वर्क कर रहे हो तो आप बहुत आसानी से 4-5 महीने की तैयारी से जरब क्वालिफाई कर सकते हो, लेकिन यदि आप केवल हार्ड वर्क कर रहे हो ना तो भाई कोई चांस नहीं है कि आप नेट भी क्वालिफाई कर पाओगे। ठीक है, जब हम स्मार्ट तरीके से तैयारी करते हैं तो हम जो पढ़ते हैं वो पेपर की डिमांड के अनुसार पढ़ते हैं और हमारे पढ़े हुए में से क्वेश्चन आते हैं। और जब हम केवल हार्ड वर्क करते हैं तो उसमें हम अपने खुद के अनुसार पढ़ते हैं, हम पेपर की डिमांड को बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते, जिसकी वजह से हमारे पढ़े हुए में से क्वेश्चन नहीं आते हैं। यदि आप बहुत व्यवस्थित तरीके से पढ़ रहे हो, एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ रहे हो, आप एक बहुत ही शानदार वाली प्लानिंग के साथ तैयारी कर रहे हो तो समझो आप एक स्मार्ट वे को फॉलो कर रहे हो। और वहीं यदि आप अव्यवस्थित तरीके से तैयारी कर रहे हो, आप बिना प्लानिंग के साथ तैयारी कर रहे हो, तो आप केवल हार्ड वर्क कर रहे हो, आप स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हो। यदि आप स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करते हो तो मात्र 5 महीने की तैयारी से आप बहुत ही आसानी से पहले प्रयास में बहुत गजब के मार्क्स के साथ जरब क्वालिफाई कर सकते हो। और यदि आप केवल हार्ड वर्क कर रहे हो, आप स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हो, आप स्मार्ट तरीके से तैयारी नहीं कर रहे हो, आप केवल हार्ड वर्क कर रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि 4-5 बार एग्जाम देने के बाद भी आपका नेट क्वालिफाई हो। ठीक है, तो वो कैंडिडेट जो 5-6 बार लगातार बहुत जबरदस्त तरीके से मेहनत करने के बाद एग्जाम दिए और उनका जरब क्वालिफाई नहीं हुआ क्योंकि वो लोग क्या कर रहे हैं, केवल हार्ड वर्क कर रहे हैं। वो लोग जो पहली बार एग्जाम दिए थे 4-5 महीने की तैयारी से उनका जरब हो गया क्योंकि वो स्मार्ट वर्क को फॉलो कर रहे थे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, आपको ये भी पता चल गया होगा कि आपको कौन से तरीके को फॉलो करना है। जो ग्रुप इसे जरब पास करने के लिए हमें स्मार्ट तरीके से तैयारी करनी है क्योंकि हमें मात्र 4-5 महीने की तैयारी से जरब पास करना है, तो इसके लिए हमें इन 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हमें बहुत स्पेशली तरीके से ध्यान में रखना है। हमारा ये जो ज्योग्राफी का गारंटी बैच है इसमें हम इन 5 के 5 पॉइंटों के ऊपर बहुत ही स्पेशली तरीके से फोकस करते हैं। देखो, सबसे पहला पॉइंट तो क्या है कि हमारा जो ज्योग्राफी और फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस है वो समय अनुसार पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है, एक निश्चित समय पर, एक उचित समय पर हमारा कंप्लीट सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए ताकि उसके बाद हमें एक प्रॉपर वे में टाइम मिले बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन करने के लिए। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो बहुत लेट तैयारी शुरू करते हैं जिनकी वजह से उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता, उनको रिवीजन के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता। बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो सिलेबस को तो कंप्लीट कर लेते हैं लेकिन बाद में उनके पास इतना समय नहीं बचता कि वो उसका बार बार रिवीजन कर सकें। और यदि आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी होगी, और यदि आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक उचित समय पर कंप्लीट सिलेबस को पूरा करना, साथ ही साथ बार बार अलग अलग तरीके से उसका रिवीजन करना ताकि वो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाए, आपके दिमाग में अच्छे तरीके से सेट हो जाए। अब जब आप तैयारी करोगे, कंप्लीट सिलेबस को पूरा करोगे, तो उसमें आपको इन पॉइंट्स को ध्यान रखना है। पहला, आप जो भी पढ़ो वो पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ो। आपको पता होना चाहिए कि फिलहाल का पेपर पैटर्न क्या है, मतलब फिलहाल में किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, इसके बारे में आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो पिछले 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनको आज भी ये नहीं पता है कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, वो लोग केवल हार्ड वर्क कर रहे हैं, वो अव्यवस्थित तरीके से तैयारी कर रहे हैं। भाई, जो व्यवस्थित तरीके से तैयारी करता है उसको पता है
कि कौन से यूनिट हमारे लिए कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कौन से यूनिट को हमें पहले पढ़ना चाहिए, कौन से यूनिट को हमें बाद में पढ़ना चाहिए, कौन से यूनिट को हमें बहुत डीपली तरीके से पढ़ना चाहिए, कौन से यूनिट को हमें फैक्चुअल तरीके से पढ़ना चाहिए, कौन से यूनिट का हमें बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए। यह आपको तब ही पता चल पाएगा जब आपको पता होगा कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। दूसरा, आपको फिलहाल के एग्जाम के लेवल के बारे में भी पता होना चाहिए, मतलब आपको किस लेवल की तैयारी करनी है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो केवल 2-3 महीने तैयारी करते हैं लेकिन वो केवल ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं। भाई पेपर हमारा टफ लेवल का आ रहा है फिलहाल में, तो आपको यदि अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको भी डीपली तरीके से तैयारी करनी होगी ताकि आप उस लेवल के क्वेश्चनों को ठीक कर सको जो हमारे एग्जाम में आ रहे हैं। तो आपको एग्जाम के लेवल के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। चौथा हमारा जो पॉइंट है वो है कंटेंट। आपका जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा सही होना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसके साथ आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करने वाले हो। देखो कंटेंट दो तरीके का होता है मेरे अनुसार। एक तो ऐसा कंटेंट होता है जहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो यदि आप उस कंटेंट को पढ़ रहे हो तो कितना ही पढ़ लो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरी साइड एक ऐसा कंटेंट जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, यदि आप ऐसे कंटेंट को पढ़ रहे हो तो आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे आपका स्कोर उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होगा, आपका स्कोर जो उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि आप बहुत सारा कंटेंट पढ़ रहे हो, बहुत सारी किताबें पढ़ रहे हो तो आप अच्छा स्कोर करोगे, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ऐसा कंटेंट पढ़ो जहाँ से पेपर बने, मतलब जो पेपर है वो आपके पढ़े हुए में से आए, तब है मज़ा। तो यहाँ पर हम इस गारंटी बैच में ऐसे ही कंटेंट के साथ तैयारी करेंगे जहाँ पर जो क्वेश्चन है वो हमारे पढ़े हुए में से बनेंगे। और पांचवा जो पॉइंट है वो है रणनीति। हमें एक बहुत ही बेस्ट प्लानिंग बनानी चाहिए कि हमें आगामी समय में किस तरीके से तैयारी करना है, उसका हमें एक प्रॉपर वे में फॉर्मेट बनाना है। हमें पहले क्या पढ़ना है, हमें बाद में क्या पढ़ना है, हमें कब तक सिलेबस को कंप्लीट करना है, फिर किस तरीके से रिवीजन करना है। यदि हमारा एक पूरा पूरा फेलो चार्ट बना हुआ है, हमने सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से प्लान कर रखा है और यदि हम उसको फॉलो करेंगे तो हमारी ओवरऑल बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी होगी और हम बहुत गजब के मार्क्स के साथ जरब पास कर लेंगे। तो आपकी एक बहुत बेहतरीन वाली प्लानिंग होनी चाहिए जो आपको पूरी भीड़ से अलग कर सके। भाई लोगों टोटल लगभग 50,000 के आसपास फॉर्म अप्लाई होते हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट से, उनमें से लगभग 400-450 कैंडिडेटों का जरब क्वालिफाई होता है और इन 400-450 कैंडिडेटों में से लगभग 150 ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो पहले प्रयास में पीजी अपीयरिंग के साथ जरब क्वालिफाई करते हैं। और उनका जो जरब क्वालिफाई होता है ना पहले प्रयास में पीजी अपीयरिंग के साथ, उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि वो स्मार्ट तरीके से तैयारी करते हैं। और इन 50,000 कैंडिडेटों में से लगभग 10,000 ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं जो पिछले 5-6 साल से लगातार एग्जाम दे रहे हैं और उनका फिर भी नेट पास नहीं हो रहा है, जबकि वो हर बार बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं क्योंकि वो केवल हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो अब आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप 5-6 बार एग्जाम देना चाहते हो या फिर आप केवल 4-5 महीने की तैयारी से जरब पास करना चाहते हो। अब हम यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाते हैं कि हमारे इस गारंटी बैच का किस तरीके से क्या प्लान है, हमने आगे की किस तरीके से प्लानिंग कर रखी है जो आपके जरब को सपने को पूरा करेगी। देखो हमने टारगेट लिया है कि हमें 15 अक्टूबर तक हमारा कंप्लीट सिलेबस कवर करना है। 15 अक्टूबर तक हमें 100% तरीके से अपने सिलेबस को पूरा करना है। उसके बाद जब तक एग्जाम होगा तब तक हम रेगुलर रिविजन करेंगे, ठीक है। 10 दिन पहले से हमारा बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। हम यहाँ पर रेगुलर संडे टू संडे यूनिट वाइज तरीके से टेस्ट लेते हैं, तो उससे हमें बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि हम साथ के साथ उनको अच्छे तरीके से रिवाइज भी करते रहते हैं। हमें पता भी चलता रहता है कि यूनिट से किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, हमें पता चलता रहता है कि कौन सी यूनिट हमारी कितने अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है। 15 अक्टूबर को जैसे हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा उसके बाद हम सबसे पहले यूनिट वाइज तरीके से रिवीजन करेंगे। जब यूनिट वाइज तरीके से रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम वेरी वेरी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनका टॉपिक वाइज तरीके से रिवीजन करेंगे। तो एग्जाम तक हमारा टोटली 3 बार रिवीजन हो जाएगा, हमारी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी, बहुत अच्छा पेपर हो जाएगा और फिर हमारा जरफ हो जाएगा। ये हमारा यहाँ पर टारगेट है। अब हम एक बार पेपर के पैटर्न को समझ लेते हैं कि फिलहाल में पेपर का
पैटर्न क्या चल रहा है, मतलब किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो पेपर के पैटर्न को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए मैंने क्या किया है, ज्योग्राफी के सिलेबस को टोटल 21 यूनिटों में डिवाइड किया है और इस 21 यूनिटों के हमने दो सेशन बना दिए, एक सेशन ए बना दिया, दूसरा सेशन बी बना दिया। सेशन बी में मैंने केवल चार यूनिटों को शामिल किया, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, इंडिया ज्योग्राफी। ये चार वो यूनिट हैं जो हर एक कैंडिडेट की पसंदीदा है, जहाँ से पहले बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते थे। 2019 से पहले इन चार यूनिटों से लगभग 60-70% पेपर बनता था, लेकिन वर्तमान समय में इन चार यूनिटों से केवल 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब इनको चाहे आप कितना ही पढ़ लो, 25 से ज़्यादा क्वेश्चन आप कभी ठीक नहीं कर सकते। वहीं यदि हम सेशन ए की बात करें तो इसमें हमने टोटली कुल मिलाकर 17 यूनिटों को शामिल किया है। कार्टोग्राफी है, जियोटेक है, स्टैटिकल है, सोशल कल्चर है, पॉपुलेशन है, सेटलमेंट है, एग्रीकल्चर है, ट्रेड है, ट्रांसपोर्ट है, इंडस्ट्रियल है, रीजनल प्लानिंग है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, थॉट है, ईवीएस है, करंट अफेयर, वर्ल्ड ज्योग्राफी है। तो टोटली कुल मिलाकर 17 यूनिट जो सेशन ए में, यहाँ से वर्तमान समय में 65 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो सेशन ए की 17 यूनिटों से 65 क्वेश्चन आ रहे हैं, सेशन बी की 4 यूनिटों से 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। यदि मैं कंटेंट की बात करूँ ना, तो सेशन ए की ये जो 17 यूनिट है बिल्कुल छोटी छोटी यूनिट है, वहीं यदि हम बात करें सेशन बी की 4 यूनिटों के बारे में तो ये बहुत बड़ी बड़ी यूनिट है। यदि मैं ओवरऑल कंटेंट की बात करूँ तो जितना कंटेंट सेशन ए की 17 यूनिटों में है उतना ही कंटेंट सेशन बी की 4 यूनिटों में। कंटेंट के मामले में सेशन ए और सेशन बी दोनों बराबर है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो सेशन ए से 65 क्वेश्चन आएंगे, सेशन बी से 25 क्वेश्चन आएंगे। जिनका कम समय में जरब क्वालिफाई होता है उनका सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि वो जो सेशन ए की जो 17 यूनिट है इनको वो सबसे पहले बहुत गजब तरीके से तैयार करते हैं, और जो लोग पिछले 4-5 साल से एग्जाम दे रहे हैं उनका जरब क्वालिफाई नहीं हो रहा, उसके पीछे रीजन है कि वो सेशन बी की 4 यूनिट को ही पढ़ रहे हैं। उन्होंने आज तक बहुत बेहतरीन तरीके से सेशन ए की 17 यूनिटों को तैयार नहीं किया है। ध्यान रखना, जिस दिन आपने सेशन ए की 17 यूनिटों को अच्छे तरीके से तैयार कर लिया उस दिन समझो आपका 100% तरीके से जरब क्वालिफाई हो जाएगा, बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जरब क्वालिफाई हो जाएगा। और 10 क्वेश्चन हमारे आरसी के आते हैं। अब हम यहाँ पर पेपर के लेवल को समझते हैं। देखो हमारा जो नेट जरब का एग्जाम है वो कॉन्सेप्ट टाइप का आता है, हमारे एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल आते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन फैक्ट टाइप के आते हैं। पेपर का जो लेवल है वो मॉडरेट टू टफ लेवल का होता है, इसलिए हमारे जो क्वेश्चन बनते हैं वो ज़्यादातर डीपली बनते हैं। यदि हमें जरब पास करना है तो फिलहाल के पेपर लेवल के अकॉर्डिंग हमें टफ लेवल से तैयारी करनी होगी, हमें बहुत डीपली तरीके से तैयारी करनी होगी, हमें हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझना होगा, हर एक फैक्ट को ऑथेंटिक तरीके से याद करना होगा, ठीक है। साथ ही साथ बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो करंट के बेस पर बन जाते हैं, इसलिए हमें ज्योग्राफी के कंप्लीट करंट को भी कवर करना होगा। उसके बाद हम हमारे इस बैच की रणनीति के बारे में डिस्कस करें। भाई सबसे पहले हम सेशन ए की जो 17 यूनिट है इनको अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। जब सेशन ए की 17 यूनिट हमारी बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाएंगी उसके बाद हम सेशन बी की जो 4 यूनिट है उनको बेहतरीन तरीके से तैयार करेंगे। हम यहाँ पर 21 की 21 यूनिट को बहुत ही शानदार तरीके से तैयार करेंगे क्योंकि हमें बहुत गजब के मार्क्स के साथ जरब क्वालिफाई करना है, लेकिन हम शुरुआत करेंगे सेशन ए की 17 यूनिटों से। जब ये पूरी हो जाएंगे तो उसके बाद सेशन बी की 4 यूनिटों को कंप्लीट करेंगे। समझो यदि आपकी सेशन ए की 17 यूनिट अच्छे तरीके से तैयार हो गई हैं तो आप भीड़ से अलग हो चुके हो, आप जरब के लाइन में खड़े हो गए हो, आपका हर हाल में जरब पास हो जाएगा। और सबसे लास्ट में हम आरसी की प्रैक्टिस करेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको बैच की विशेषता बता देता हूँ कि हम यहाँ पर जो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि हमारे बैच के कंटेंट से कम 90% पेपर मिलेगा, तो वो मैं किस बेस पर बोल रहा हूँ वो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। देखो हमने इस बैच का जो कंटेंट है वो टोटली कुल मिलाकर 12 प्लेटफॉर्म के कंटेंट को मिलाकर तैयार किया है। टोटल ऐसे 12 प्लेटफॉर्म है जिनके माध्यम से आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट के नेट जर्व के लिए तैयारी कर सकते हो, जिसमें कुछ टीचर्स हैं, कुछ नोट्स प्रोवाइड करवाने वाले इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारी ऑथेंटिक किताबें हैं, इसके अलावा बहुत सारी गाइड हैं। हमने क्या किया है, इन सभी प्लेटफॉर्म के कंटेंट को इकट्ठा किया। हमने यहाँ पर टोटल 28 यूनिट वाइज तरीके से ऑथेंटिक किताबें खरीदी हैं। 8 ऐसे टीचर हैं जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट के नेट जर्व के लिए तैयारी करवाते हैं, जैसे अभिषेक झा सर हो गए, सूरज सर हो गए, बच्चन सर हो गए, बीबी सर हो गए, दिवाकर सर हो गए, अंकित सर हो गए, अभिषेक झा सर हो गए, जितेंद्र सर हो गए। इन सभी के नोट्स को हमने इकट्ठा किया है।
ठीक है। टॉपर्स नोट्स के नोट्स खरीदे हैं, नोट्स हब के नोट्स खरीदे हैं, दृष्टि और अरिहंत वाली हमने गाइड खरीदी है। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रीवियस ईयर पेपरों को खरीदा है या उनको हमने डाउनलोड किया है, नेट जेब के प्रीवियस ईयर पेपर, इन सभी को मिलाकर हमने ये ज्योग्राफी का इस बैच का बहुत ही बेहतरीन वाला कॉन्टेंट तैयार किया है। ध्यान रखना, हम जब ये कंटेंट तैयार कर रहे थे उस टाइम हमारा स्पेशली तरीके से फोकस था कि हमें अपना स्कोर बढ़ाना है ना कि ज्ञान बढ़ाना। तो यहाँ पर हमने ये जो कंटेंट तैयार किया ना वो बिल्कुल 100% एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है, बहुत ही सिलेक्टेड कंटेंट है। जब आप पढ़ोगे ना तो एक भी लाइन आपको ऐसी नहीं लगेगी जिसको पढ़ने के बाद आपके दिमाग में ये विचार आए कि ये इन्होंने क्यों लिख दिया। हर एक लाइन आपको महत्वपूर्ण लगेगी। और जब आप नोट्सों को पढ़कर यदि प्रीवियस ईयर पेपरों को पढ़ोगे तो आपके दिमाग में आएगा कि यार ये क्वेश्चन भी इन नोट्सों में था, ये क्वेश्चन भी इन नोट्सों में, ये क्वेश्चन भी इन नोट्सों में है, ठीक है। और यदि आप प्रीवियस ईयर पेपरों को पढ़कर नोट्सों को पढ़ोगे तो आपके दिमाग में विचार आएगा कि यार पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर पेपर ही यहाँ से आएंगे। इतने बेहतरीन तरीके से हमने ये कॉन्टेंट तैयार किया है। 21 की 21 यूनिटों पर हम यहाँ पर बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रखेंगे, प्रत्येक टॉपिक को बहुत ही शानदार तरीके से तैयार करेंगे। हमारा टारगेट है कि हमें हर एक क्वेश्चन को ठीक करना है। जहां पर हम साथ मिलकर तैयारी करेंगे, मतलब भाई ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891 35 0470, जो केवल और केवल आपके लिए है। कभी कोई डाउट हो, कभी कोई कंफ्यूजन हो, कभी कॉल करो, कभी मैसेज करो, हर एक टाइम आपको बहुत बेहतरीन तरीके से गाइड किया जाएगा, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से मोटिवेट किया जाएगा ताकि आप दिसंबर 2024 में हर हाल में जरब क्वालिफाई कर सको। तो यहाँ पर हम साथ मिलकर तैयारी करेंगे। जरब के लिए जो भी बेस्ट कंटेंट होगा सारा सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। आपको तो केवल पढ़ने का काम करना होगा, एक भी किताब आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। रेगुलर लाइव क्लास होगी, बाद में वो क्लास आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी जिसको कभी भी कितनी बार भी देख सकते हो। हर क्लास का पीडीएफ मिलेगा, संडे टू संडे टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, करंट अफेयर है, सारा सब कुछ मिलेगा। यदि आप बैच लेना चाहते हो तो अभी तुरंत ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है 7891 35 0470, इनके ऊपर आप मेरे से चैट करें, कॉल करें, अपने सभी डाउट्स को क्लियर करें और तुरंत दिसंबर 2024 में जरब क्वालिफाई करने के लिए तैयारी शुरू करें, बैच ज्वाइन करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।